ये है दिल्ली दर्पण। देखिए, हमें हाई कोर्ट के फैसले पे बहुत खुशी है। ये आम आदमी पार्टी की हमारे मेयर के निर्णय की जीत है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि एक इल्लीगल फैसला जो काउंटिंग का था, उस फैसले को हाई कोर्ट इंडोर्स करे और नतीजे जो गैर कानूनी थे, गैर संवैधानिक थे, उन नतीजों को डिक्लेयर करे। परंतु हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक डिमांड को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि पूरा जो कानून है कि मेयर की क्या पावर है, म्यूनिसिपल सेक्रेटरी की क्या पावर है, उस पूरे मैटर को एग्जामिन करेंगे और फिर अपना निर्णय देंगे। जी मैम, बीजेपी ये कह रही है कि हमारी जीत हुई है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है हमारी जीत हुई है। बीजेपी का कहना है कि दोबारा वोटिंग कराना चाहते थे आप, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि वोटिंग दोबारा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जो केस कोर्ट में लेके गई थी, वो ये लेके गई थी कि हमारे पक्ष के चुनाव को घोषित करे कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने उस रिजल्ट को घोषित करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम एग्जामिन करेंगे कि मेयर की क्या पावर है, कि संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। पहले दिन से हम यही बात तो कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, कानून का सम्मान करना पड़ेगा और कानून और संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। और डीएमसी एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट है कि मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती है और मेयर के पास ये अधिकार है इस पे निर्णय लेने का कि कौन सा वोट वैलिड है, कौन सा वोट वैलिड नहीं है। आप उस आदेश को इस तरह समझ रही हैं कि आपके हिसाब से जो 4-2 का फैसला था कि 4 सीटें आप 4 आपके जीते कैंडिडेट और 2 उनकी जीती, उसे वो मानना होगा? देखिए, मेयर ने ये हाउस में कल स्पष्ट कर दिया था कि हंगामे के बाद, कागज डिस्ट्रॉय होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के बैलेट पेपर्स और काउंटिंग शीट्स को चोरी करने के बाद, फाड़ने के बाद, अब मेयर के पास भी कोई आधार नहीं बचा है जिसके बेसिस पे वो रिजल्ट्स की घोषणा कर सके। मेयर ने ये स्पष्ट कहा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस की सैंक्टिटी टूट गई है और उनके पास कोई और तरीका नहीं बचा है एक्सेप्ट री इलेक्शन को ऑर्डर करने का। लेकिन अतिजी, इसमें एक तकनीकी सवाल ये है, पहला कि क्या 27 तारीख को अब चुनाव होगा, हाईकोर्ट ने कहा नहीं होगा। दूसरा, अब आगे रास्ता क्या है, होगा क्या अब आगे, ये बता दीजिए। देखिए, अब तो हाईकोर्ट इस केस को सुनेगा, जब हाईकोर्ट फैसला लेगा कि नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा, उसके अनुसार फिर स्टैंडिंग कमिटी का जो चुनाव है, जो भी उसकी अगली तारीख है, वो तारीख आने वाले समय में तय होगी। पर हमें खुशी है इस बात की कि जो भारतीय जनता पार्टी की गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रिजल्ट को घोषणा के लिए वो कोर्ट में आज गई थी कि उस रिजल्ट की घोषणा करिए। आप अगर उनके कोर्ट केस को पढ़िए, उनकी डिमांड को पढ़िए, उनकी डिमांड ये थी कि हाई कोर्ट उनके फेवर के नतीजे को घोषित करे। और उनका आधार क्या था? उनका आधार था कि जी म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ने कहा है, पर कानून म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को कोई पावर नहीं देता है, कानून गुंडागर्दी को कोई पावर नहीं देता है, कानून बैलेट की चोरी को कोई पावर नहीं देता है, कानून बैलेट पेपर फाड़ने को कोई पावर नहीं देता है, कानून और संवैधानिक तरीके से ही चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। और हमें खुशी है कि कोर्ट की देखरेख में। एक बात और स्पष्ट करनी थी कि अब चूंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो 27 तारीख को जो बैठक होनी है वो अब नहीं होगी, एक, और क्या आगे तब बैठक होगी जब हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, क्या बैठक होगी, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। क्या बैठक नहीं, 27 तारीख को बैठक नहीं होगी। 27 तारीख की बैठक इस चुनाव के लिए होनी थी, परंतु क्योंकि अभी इस केस की हियरिंग चली गई, हाईकोर्ट का ये मानना था कि कोई भी अर्जेंट नहीं है ये मैटर कि ये आज ही सुना जाए और आज ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जाए, तो हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमारा ये मानना है कि एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया से चलना होगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ये फैसला लिया है कि वो कानून का और संविधान का सम्मान करेगी, क्योंकि अभी तक वो जहाँ चुनाव हार रहे होते हैं, अभी तक वो सिर्फ गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं, मार पिटाई का सहारा लेते हैं, बैलेट पेपर फाड़ने का सहारा लेते हैं, मेयर पे हमला करने का सहारा लेते हैं। मैं स्वागत करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी आखिरकार संविधान और कानून के रास्ते पे चलना सीख रही है।
साथी पुलिस कमिश्नर के पास, किस तरह से मामले को आप देख रही हैं? क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है जो जानलेवा मारपीट का आप लोगों ने आरोप लगाया है मेयर पर? देखिए, आज पुलिस कमिश्नर से बैठक नहीं हो पाई हाईकोर्ट में केस की वजह से, क्योंकि हमारी मेयर शैली ओबेरॉय जी हाईकोर्ट में मौजूद थी जिस समय पुलिस कमिश्नर के साथ टाइम था, तो उन्होंने उस मीटिंग को रीस्केड्यूल करने की, अब कल संडे है तो उस अनुसार कल या परसों किसी टाइम मेयर और कुछ पार्षद जाके कमिश्नर से मिलेंगे। देखिए, ये सिर्फ मेयर पर हमले का मामला नहीं है, ये हाउस की सेफ्टी का मामला है। अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया से चुने गए प्रतिनिधि हाउस में, जो एक लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा? मैम, कल मनीष सिसोदिया की सीबीआई में पेशी है, पिछली तारीख से उन्होंने समय मांगा था, कल का समय फिर से दिया सीबीआई ने। कल मनीष सिसोदिया जी जाएंगे, वो शुरू से ही पूरी इंक्वायरी से कोऑपरेट करते रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस होना, उन्हें जांच के लिए बुलाया जाना, ये कोई नई बात नहीं है। जैसा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 150-200 केस तो आराम से ये आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चल रहे हैं, पिछले 8-10 सालों से चल रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी केस में एक रुपए का भ्रष्टाचार भी भारतीय जनता पार्टी उसका प्रमाण नहीं दे पाई है। इसलिए नहीं दे पाई है क्योंकि हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, और ना ही आगे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का सबूत सामने आएगा, क्योंकि हमारी ईमानदारी हमारे काम में झलकती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।